सी इस फिल्म में मैं तो प्रोस्टिट्यूट के कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट जो है मेल प्रेगनेंसी के ऊपर जो आई थिंक वेरी डिफरेंट एंड हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत एक सरप्राइज होगा कि मेल प्रेगनेंसी मीन्स वेरी डिफरेंट, ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। और बेसिकली एक मेल प्रेगनेंसी के टाइम जो दर्द जो उसको जो पेन वो महसूस करता है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। और इसमें यही हमने ये चीज़ किया कि दिखाने के लिए कि देखो औरत जो पेन वो महसूस करती है, तो वही चीज़ इसमें कुछ दिखाया गया है। हमने वही कोशिश किया कि स्पेशली समाज को ये मैसेज मिले कि ताकि सबको पता चले कि औरत भी कितना दर्द कितना पेन लेती है प्रेगनेंसी के टाइम। तो और ऊपर से उसके बाद इसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं अभी सब नहीं बताना चाहती। हाँ राइट, मैंने मेरी हिंदी फर्स्ट फिल्म है ये, इससे पहले मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में फिल्म किया बट हिंदी मेरे लिए फर्स्ट फिल्म। हाँ मैंने बंगाली फिल्म किया है एंड फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूँ हिंदी फिल्म में। और इस सब सभी कलाकारों के लिए एक आई थिंक सबसे एक ड्रीम है कि मैं हिंदी फिल्म में काम करूँ, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये रोल मेरे लिए सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज एक प्रोस्टिट्यूट इट्स नॉट नॉर्मल गर्ल, तो प्रोस्टिट्यूट की क्या उसके एटीट्यूड है, उसकी क्या थिंकिंग है, सब वो सारी चीज़ें हैं। या आ जाइए मेरा किरदार रमी की गर्लफ्रेंड का है, लाइक एज इट इज मूवी में जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं सेम वैसे ही मेरा किरदार है इस मूवी में। तो कितना इंटरेस्टिंग था फिल्म में काम करना, फिल्म में जो किरदार निभा रही थी कितना इंटरेस्टिंग था, कोई ऐसा लम्हा है जब शूटिंग के दौरान काफी मुश्किल हुआ या मजा आया, क्या जो भी बताइए ना। ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज ऑफकोर्स बिकॉज मैं टीन एजर हूँ, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये किरदार मेरे लिए बहुत ईजी भी था एंड अच्छा था। या मैं बेसिकली एक्टिंग लाइन में हूँ। हाँ जैसे पहले मैंने मूवीज़ की हुई है, लाइक एक अतरंगी मूवी में मैंने एज अ कैरेक्टर किया हुआ है। सेकेंड वन इज़ माई नेक्स्ट मूवी सस्पेंस हॉरर है, नेम इज़ ऑफिस एंड अनदर अभी मेरा शूट चल रहा है इट्स एंड अप मूवी का। क्या उम्मीद करती हैं दर्शकों से कि जब फिल्म आएगी तो कैसे उम्मीद में लाइक बॉलीवुड का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, तो ऑफकोर्स लोगों को देखने वाले लोगों को ये पसंद आएगी मूवी। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें एंड हमारी मूवी देखने के लिए आए। इस फिल्म में मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ और मेरा कैरेक्टर है, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स लेता हूँ, प्रोस्टिट्यूशन में डूबा हुआ होता हूँ और मेरे माइंड में पता नहीं क्या होता है कि जो मेरे को कुछ भी नहीं पता होता, और साथ में मेरा खुद का इल्यूजन मेरे साथ साथ घूमता रहता है और जो मैं गलतियाँ करता हूँ उनको बताता है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी ऑफबीट है, तो इस ऑफबीट को फिल्म करने में थोड़ा सा चैलेंज तो हुआ होगा, तो किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ा? सभी कैरेक्टर वैसे चैलेंजिंग होते हैं और मेरा भी कैरेक्टर चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर का मेरे डायरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर सपोर्ट था, हमारी टीम थी पूरी, मेरी पूरी टीम का सपोर्ट था, कभी कोई मुश्किल नहीं हुई कैरेक्टर। और
किस प्रमोशन होने वाले फिल्म का? अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे डायरेक्टर इरफान आलम सिद्दीकी ने आमिर खान जी को लेटर लिखा था ताकि वो हमारी फिल्म को आकर देखें, और जो ये फिल्म का टॉपिक है मेल प्रेगनेंसी, और हमने जो ये औरतों का दर्द होता है उसे दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की है। वो आगे इस टॉपिक पे देखें फिल्म को, हमारी देखें और रिव्यू दें कि कैसी फिल्म है हमारी। वो अपने सीरियल जैसे सत्यमेव जयते के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड काम करते रहे हैं, बस हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है एक बार आगे फिल्म देखें। अब देखते हो क्या होगा बाकी। हाँ शायद रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी तरफ से। अच्छा। बट अभी तो एजाज खान आया हमारे ट्रेलर लॉन्च पे। अच्छा। वो ट्रेलर लॉन्च करें, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।